14 अगस्त 2005 सुबह का वक्त था। हीलियोस फ्लाइट 522 साइप्रस के लार्निका इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ग्रीस के एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने के लिए तैयार थी। सुबह के करीब 9:07 पर फ्लाइट ने उड़ान भरी। उस समय इसमें 115 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर सहित 121 लोग सवार थे और इसे उड़ा रहे थे 58 वर्षीय जर्मन कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पायलट हैंस जर्गन मर्टेन, जिन्हें कुल 16,900 फ्लाइट आवर्स का अनुभव था। वहीं इनके को पायलट के तौर पर मौजूद थे 51 वर्षीय पैम्पोस चार्लम्स, जिन्हें कुल 7,549 फ्लाइट आवर्स का अनुभव था। वहीं फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर एंड्रियास प्रोड्रोमो कमान संभाल रहे थे। उड़ान भरने के 5 मिनट बाद यानी 9:12 पर प्लेन 12,040 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया और इस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ही अचानक प्लेन में एक अलार्म बजने लगता है। जब इस अलार्म की जांच की गई तो पता चला कि ये टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग अलार्म था, जिसे देखने के बाद दोनों पायलट हैरान हो गए। और वो इसलिए क्योंकि टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग अलार्म तब बजता है जब प्लेन ग्राउंड पर होता है और उड़ान भरने के लिए तैयार नहीं होता। ऐसे में 12,000 फीट की ऊंचाई पर इस अलार्म के बजने का मतलब दोनों पायलट को समझ ही नहीं आ रहा था। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए उन्होंने ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क साधना ही उचित समझा। फिर उन्होंने तुरंत ही ATC से संपर्क कर उन्हें बताया कि उनके विमान का टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग अलार्म बज रहा है। पायलट ATC को ये सब बता ही रहे थे कि इतनी ही देर में प्लेन के कॉकपिट में मौजूद कंट्रोल पैनल पर कई सारे अलार्म एक साथ बजने शुरू हो गए और इन अलार्म्स की आवाज के कारण पायलट्स की आवाज ATC तक पहुंचना भी बंद हो गई। साथ ही प्लेन का मास्टर कॉशन अलार्म भी बजने लगा था, जिसका मतलब था कि प्लेन के कई सारे सिस्टम एक साथ ओवरहीट हो चुके हैं। दोनों ही पायलट्स की दिक्कतें अब बढ़ने लगी थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब क्या हो रहा है। इधर ये सब देखकर प्लेन में अफरा तफरी का माहौल बन गया। क्रू मेंबर लगातार यात्रियों को शांत कर रहे थे। सभी पैसेंजर्स को सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी, इसलिए उनके ऑक्सीजन मास्क अपने आप ही नीचे आ गए। दरअसल जब प्लेन में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तो ऑक्सीजन मास्क अपने आप ही नीचे आ जाते हैं। इस दौरान प्लेन लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर था। पायलट बार बार ATC से संपर्क कर उन्हें अपनी समस्या बताने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनकी बात ATC तक पहुँच ही नहीं पा रही थी और कुछ ही देर में प्लेन का ATC से कनेक्शन भी पूरी तरह टूट गया। इसके बाद भी ATC ने बार बार फ्लाइट से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। प्लेन अब लगातार ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा था। आमतौर पर इस रूट पर फ्लाइट को लगभग 1 घंटे और 45 मिनट का समय लगता है, यानी करीब 10:45 पर इस प्लेन को एथेंस एयरपोर्ट पर पहुंचना था। 9:23 पर प्लेन 34,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका था। इसके बाद 9:37 पर यह विमान एथेंस के फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में पहुंच गया। 10:12 से 10:50 तक एथेंस ATC यानी एथेंस एयर ट्रैफिक कंट्रोल की टीम रेडियो कॉल्स के जरिए इस प्लेन से संपर्क साधने की कोशिश करती रही, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। अब 10:45 हो चुके थे और इस समय प्लेन को एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन प्लेन का अभी तक कुछ हता पता नहीं था। कुछ अनहोनी की आशंका के चलते ग्रीस अधिकारियों ने तुरंत ही अपने 2 सबसे बढ़िया F-16 फाइटर जेट को इस विमान को ढूंढने के लिए भेजा। कुछ ही देर में इन फाइटर जेट्स ने हीलियोस फ्लाइट 522 को ढूंढ लिया। इनमें से एक फाइटर जेट उड़ते उड़ते इस विमान के बहुत करीब आ गया था, ये देखने के लिए कि अंदर आखिर चल क्या रहा है। तो इस फाइटर जेट पायलट ने देखा कि प्लेन के अंदर को पायलट की सीट पर कोई बैठा हुआ है, वहीं मेन पायलट अपनी सीट पर सिर नीचे करके बेसुध हालत में पड़ा हुआ है। फिर ये फाइटर जेट पीछे गया और अब इसने पीछे वाली खिड़की से प्लेन के अंदर के हालात का जायजा लिया। लेकिन फाइटर जेट के पायलट के लिए हैरानी की बात तो ये थी कि अपने बराबर में 2 फाइटर जेट्स के उठने के बावजूद किसी भी पैसेंजर्स ने मुड़कर उनकी तरफ नहीं देखा। किसी भी पैसेंजर की तरफ से उन्हें कोई भी रिएक्शन नहीं मिला। तभी लगभग 11:49 पर फाइटर जेट्स के पायलट्स ने देखा कि एक शख्स प्लेन के कैबिन से होकर कॉकपिट की तरफ जा रहा है। कुछ ही सेकंड्स में ये शख्स प्लेन की पायलट सीट पर बैठा हुआ दिखाई दिया। कॉकपिट में बैठे इस शख्स को देखकर फाइटर जेट्स के पायलट ने इसे इशारा कर स्थिति के बारे में जानना चाहा। ये शख्स भी उन फाइटर जेट्स के पायलट्स को कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पाया। तभी लगभग 1 मिनट बाद 11:50 पर प्लेन के लेफ्ट इंजन ने काम करना बंद कर दिया और प्लेन लेफ्ट साइड से झुककर तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा। पायलट सीट पर बैठा वो शख्स इसे कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन वो इसे कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा था। ठीक 12:00 प्लेन के राइट इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया। प्लेन का कंट्रोल अब पूरी तरह से खो चुका था। 12:04 पर प्लेन एथेंस से लगभग 40 किलोमीटर दूर ग्रेमेटिको की पहाड़ियों में जाकर क्रैश हो गया और इसके क्रैश होने के साथ ही इसमें सवार क्रू मेंबर समेत सभी 121 लोगों की मौत हो गई। दोस्तों एक बार महसूस कीजिए उस पल को जब 121 यात्रियों से भरा ये प्लेन जब पहाड़ से टकराया होगा, तो क्या गुजरी होगी उन फाइटर जेट्स के पायलट पर जिन्होंने इन लोगों को अपनी आंखों के सामने जाते हुए देखा होगा और वो इनके लिए कुछ भी नहीं कर पाए होंगे। इसके बाद ग्रीस में फ्लाइट 522 के क्रैश होने की खबर सभी जगह आग की तरह फैल गई। तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। सभी 121 लोगों की डेड बॉडी को एक एक करके ढूंढ कर बाहर निकाला जाने लगा, लेकिन जब हादसे में मिली कुछ लोगों की डेड बॉडी की ऑटोप्सी की गई तो एक चौंका देने वाली बात सामने निकल कर आई। दरअसल जहाज
में मौजूद ज्यादातर सभी लोग और पायलट्स प्लेन के क्रैश होने से पहले ही मर चुके थे। तो अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये था कि जब पायलट प्लेन के क्रैश होने से पहले ही मर चुके थे तो लगभग 2 घंटे तक प्लेन का कंट्रोल किसके पास था। तो दोस्तों, हमने वीडियो की शुरुआत में एक व्यक्ति का जिक्र किया था, फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियास प्रोड्रोमो। जी हाँ, वो एंड्रियास प्रोड्रोमो ही थे जिन्होंने अभी तक इस जहाज को संभाले रखा था, क्योंकि अंत में उनकी ही आवाज एटीसी को सुनाई दी थी। एंड्रियास ने करीब 5 बार मेडे मेडे कहकर मदद की गुहार लगाई थी। एंड्रियास के पास यूके कमर्शियल पायलट का लाइसेंस तो था, लेकिन उन्हें इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि वो बोइंग 737 जैसे प्लेन को कंट्रोल कर सके। लेकिन बावजूद इसके वो इस विमान को घनी आबादी के क्षेत्र से दूर ले जाने में कामयाब रहे। जब एक्सपर्ट्स ने इस घटना के पीछे की वजह जानने के लिए जांच शुरू की तो उसमें सामने आया कि जब प्लेन लेफ्ट साइड में झुक गया था तो इसका कारण ये था कि प्लेन के लेफ्ट इंजन में फ्यूल खत्म हो गया था, लेकिन अभी भी इस हादसे की जड़ तक पहुंचा जाना बाकी था। तभी अचानक एक इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर की नजर कंट्रोल पैनल के एक बटन पर पड़ी और ये बटन था प्लेन के प्रेशर को सेट करने का। इस बटन को देखते ही उस ऑफिसर को पूरी कहानी समझ में आ गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रेशराइज बटन पूरे जहाज में एयर का प्रेशर कंट्रोल करता है। जनरली जहाज के बाहर लगे इंजन बाहर की हवा को थोड़ा थोड़ा करके अंदर भी भेजते रहते हैं ताकि विमान के अंदर बैठे लोगों को ऑक्सीजन मिल सके। आमतौर पर इस प्रेशराइज बटन को ऑटोमेटिक मोड पर ही रखा जाता है और अगर कभी इसे मैनुअल मोड पर किया भी जाए तो कैप्टन व को पायलट को इसका ध्यान रखना पड़ता है। अब हादसे की जड़ तक पहुंचने के लिए हम आपको घटना से एक दिन पहले ले चलते हैं, जब बोइंग 737 का ये जहाज अपनी रूटीन सर्विस पर गया हुआ था। वहाँ इसको अच्छे से चेक करके इसकी सर्विस की गई और वहीं इसकी जांच करने वाले लोगों ने इसे मैनुअल मोड पर करके इसे पायलट को सौंप दिया था। विमान के उड़ान भरने से पहले पायलट और कोपायलट दोनों का इस ओर ध्यान ही नहीं गया कि उनके प्लेन का मैनुअल मोड चालू ही रह गया है और इसके कारण जहाज में धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगी थी, जिसके कारण विमान में बैठे सभी यात्रियों को बेचैनी होने लगी। और जब कॉकपिट में बैठे पायलट्स को ये अलार्म सुनाई दिए तो उन्होंने इसके पीछे का कारण जानना शुरू किया, लेकिन एक बार के लिए भी उनका ध्यान इस ओर गया ही नहीं कि प्लेन का प्रेशराइज बटन ऑन ही रह गया है। इस वजह से कॉकपिट में भी ऑक्सीजन का लेवल घट गया था, जिसके कारण दोनों पायलट बेहोशी की हालत में जाने लगे थे। विमान के अंदर ऑक्सीजन मास्क तो सभी यात्रियों को मिल चुका था, लेकिन कॉकपिट में ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे नहीं गिरते, जिस कारण से दोनों पायलट बेहोश हो गए। साथ ही प्लेन में मौजूद यात्री और क्रू मेंबर भी अब एक एक करके बेहोश होने लगे थे, क्योंकि इनकी पैसेंजर सीट के ऊपर लगा ऑक्सीजन मास्क केवल 12 मिनट तक की ही ऑक्सीजन दे सकता था और ऑक्सीजन न मिल पाने के कारण सभी लोग धीरे धीरे दम तोड़ रहे थे। प्लेन अब ऑटो पायलट मोड पर ही एथेंस की तरफ बढ़ता जा रहा था। एक समय ऐसा आया जब प्लेन में मौजूद सभी सदस्यों ने दम तोड़ दिया, केवल एक जने को छोड़कर, और ये थे फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियास प्रोड्रोमो। अब आप भी यही सोच रहे होंगे कि आखिर एंड्रियास इतने लंबे समय तक कैसे जीवित रहे। तो आपको बता दें कि एंड्रियास एक स्कूबा डाइवर थे और क्योंकि स्कूबा डाइवर अपनी सांसों को लंबे समय तक रोक पाने में सक्षम होते हैं, इसलिए वो अब तक जिंदा रहे। लेकिन ऑक्सीजन प्रॉपर न मिलने के कारण अब उनकी भी हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन जैसे तैसे करके वो कॉकपिट तक पहुंचे और प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे, लेकिन एथेंस तक पहुंचते पहुंचते ये प्लेन यात्रियों की जगह उनकी लाशों से भर चुका था। एंड्रियास अंत तक प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिशों में लगे रहे, लेकिन दुर्भाग्यवश वो इसमें सफल नहीं हो सके और अंततः प्लेन पहाड़ियों में जा टकराया और इसमें सवार सभी 121 लोगों की दुखद मौत हो गई। इस घटना के लगभग 15 महीनों बाद ग्रीस के अधिकारियों ने इस घटना की रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया कि इस पूरी घटना के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बटन जिम्मेदार था, प्लेन का प्रेशराइज बटन, क्योंकि ये बटन उस वक्त मैनुअल मोड पर था। लेकिन भले ही अधिकारियों को ये नहीं लगता हो, पर हमारी नजर में असल दोषी उस सर्विस सेंटर के एम्प्लॉय थे जहां प्लेन रूटीन सर्विस के लिए गया था, क्योंकि उन्होंने इस प्रेशराइज बटन को ऑटो से मैनुअल मोड पर कर दिया था, लेकिन इस बात की खबर किसी को भी नहीं दी थी। ऐसे में या तो उन्हें इसे वापस ऑटो मोड में डालना चाहिए था या पायलट को इस बात से अवगत करवाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। शायद अगर वो इतनी बड़ी लापरवाही नहीं करते तो उस दिन 121 लोगों को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। तो आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।